नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। मैंने टेक गुरु सर का सारा वीडियो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सर से कांटेक्ट किया वीज़ा के बारे में, और सर ने मुझ पर विश्वास करके मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिए। लेकिन मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहने के वजह से मैं सर को बोला, सर मैं खेत बेच के और दुबई जाने चाहता हूँ सर जॉब के लिए। लेकिन जब सर को पता चला कि नहीं, रोहित खेत बेच रहा है, तो सर ने मेरा वीज़ा ड्रॉप कर दिए और बोले कि नहीं रोहित, दुबई खेत बेच के मत आओ, यहाँ बहुत खर्च होता है, दुबई में रहने का बहुत खर्च है और तुम्हारा 20-22 हज़ार तो वीज़ा का ही लग जाएगा और 20 हज़ार पर महीने रहने खाने का खर्च हो जाएगा और तुम्हारा जॉब खोजने का अलग चार्ज होगा, तो इस वजह से तुम खेत बेच के मत आओ रोहित, दुबई बहुत महंगा शहर है और इंडिया से ही ट्राई करो और मैं तुम्हारा मदद करूँगा, मैं भी तुम्हारे लिए देखता हूँ। और सर मुझे बहुत सपोर्ट किए, इस वजह से मैंने तो खेत का बयाना भी ले रखा था और सर बोले कि नहीं, तुम पहले जाके वापिस करो, उसके बाद तुमसे बात करेंगे। तो मैंने खेत का जो भी पैसा लिया था उसको वापिस कर दिया और उसके बाद सर मुझे बोले कि तुम्हारा, मैं यहीं से ट्राई करता हूँ और देखता हूँ रोहित, तुम एक महीने के अंदर दुबई में होगे और तुम भी ट्राई करो और मैं भी तुम्हारा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो इस प्रकार जो भी आप लोग आना चाहते होंगे भाई, खेत बेच के या फिर कर्ज लेके, तो आप मत जाइए दुबई, क्योंकि दुबई में बहुत खर्च होता है और बहुत ही महंगा सिटी है। तो इस प्रकार से बहुत सा वहाँ खर्चा है, तो आप इंडिया से ही ट्राई कीजिए और सर का सारा वीडियो देखिए और सर से भी आप कॉन्टेक्ट कीजिए, सर आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत समझाए, मैं तो उब गया था, मेरा तो एकदम दिमाग पागल जैसा लग रहा था कि एकदम बस दुबई जाना है तो जाना है, और मुझे विश्वास भी था कि जाएंगे तो सर ज़रूर मेरा जॉब ढूंढ देंगे। लेकिन फिर भी सर बोले कि नहीं, खेत बेच के मत आओ रोहित, खेत बेच के मत आओ रोहित, बहुत हमको मना किए। तो इस प्रकार से मैंने खेत कैंसिल कर दिया और बस यहीं से ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओके, बाय। हेलो दोस्तों, देखा ये वीडियो आपने आज? एक्चुअली ये वीडियो मैं नहीं डालना चाहता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस पहले हो चुके हैं और उनको मैंने रोक लिया है, ठीक है। मगर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, वो लोग मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं करते, ठीक है। मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो दुबई में विजिटिंग वीज़ा पर नहीं आना है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रहने और खाने का एक मंथ का खर्चा होता है 20 हज़ार। बहुत सारे बंदे खेत अपने बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, बाइक होती है बाइक बेच देती है, बहुत सारे बंदे गोल्ड बेच देती है, बहुत सारे बंदे मैंने देखे हैं जो मतलब अपने पेरेंट्स के पीछे पड़ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। हमारे चैनल का मोटो ये है कि आप जहाँ से हो वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि विजिटिंग वीज़ा पर आपको दुबई में ही आना है, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। अगर आपकी फैमिली कंडीशन जो है आपकी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन, तो नहीं आना है यहाँ पे विजिटिंग वीज़ा पर दोस्तों। ये बंदा ने मुझे कांटेक्ट किया था, सर मुझे विजिटिंग वीज़ा निकालना है, इसका मैंने प्रोसेस में डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम था तो इसने मुझे 2-3 बार कहा सर मैं कल भेजता हूँ, तो मुझे लगा कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैंने उससे ठीक मतलब अच्छे तरीके से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तो उसने मुझे बताया कि सर मैं खेत बेच रहा हूँ अपने। मैंने कहा क्यों बेच रहे हो तुम खेत, तो बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है दुबई आने के लिए। तो मैंने बोला तुम पागल हो क्या, मतलब दुबई विजिटिंग वीज़ा पर आने के लिए तुम खेत बेच रहे हो, ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। मैंने उसे तुरंत रोक लिया, मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे केस रोक लिए हैं, मगर आपको भी ऐसा करना है अगर आपके पास पैसे नहीं है। अगर ये मेरा वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं,
तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इंडिया से ही ट्राई करो। हमारे चैनल का यही मोटो है कि आप जहां से भी हो आपको जॉब मिल जाती है दुबई में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विजिट पे आओ या विजिटिंग वीजा पर आते ही आपको जॉब मिलेगी। कितने दो लोगों की मैं जो है सक्सेस स्टोरी नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं बनानी है। कितने बंदे, हजारों बंदे मतलब है जिनको इंडिया से जॉब मिली है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको अगर आना है विजिटिंग वीजा पर आके जॉब ढूंढना है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए तभी आपको आनी है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको फाइनेंशियल लोन नहीं लेना है इसके लिए, या आपके घर पे खेत नहीं बेचने हैं इसके लिए, आपको गोल्ड नहीं बेचना है, आप क्यों अपने पेरेंट्स को टेंशन दे रहे हो। मैं ऐसे बंदों को गाइड नहीं करूंगा जो बंदे इस तरीके से अगर पैसे नहीं है तो कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे आ रहे हैं। मैं स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा हूँ सबको, आप जहां से हो आपको जॉब यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, जहां पे जहां से भी हो अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको वहीं से जॉब मिल जाएगी। बस आसान से स्टेप्स है जो मैंने पहले वीडियोज में आपको बता दिए वही फॉलो कीजिए, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है, उसका नहीं हो रहा है, उसका लक उसके साथ नहीं है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, अगर वो 3 महीने वीजा का खर्च, आने जाने का टिकट, यहाँ 3 महीने रहने और खाने का खर्चा उठा सकता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है, तो वो ही बंदा यहाँ पे आए। उसके लिए लोन उठाने की जरूरत नहीं है, अपने खेत, अपने कार या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके लिए बेचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं अपना खुद कुछ बेच के नहीं आया था, मेरा यहाँ पे जॉब होने के बाद जो गोल्ड रिंग, गोल्ड की चेन मैंने बोला था पहले वीडियो में मेरी माँ की, वो मैंने ऐसे रख दी थी वहां पे इंटरेस्ट के तौर पर, वो मैंने बेची नहीं थी, उससे मैंने पैसे उठाकर टिकट निकाल कर यहाँ पे आया हूँ। अभी भी बोल रहा हूँ कभी अपना खुद की प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, वो आपकी पुरखों की प्रॉपर्टी होती है। अभी वो लड़का जिसने जो ये खेत बेचने वाला था वो तो समझ गया है, मगर बहुत सारे बंदे मुझे कांटेक्ट नहीं करते, वो इस तरीके की हरकतें ना करें। अगर आप पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों को रोक लिए, अगर आप बच्चे हो या आप खुद मतलब तो थोड़ा सा दिमाग चलाएं, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे वीडियोज़ देख लीजिए, डाउनलोड कीजिए, बार बार देखिए, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। इसके लिए यहाँ पे दुबई में विजिटिंग वीजा पर ही आने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर मुझे किसी बंदे ने कांटेक्ट किया और इस तरीके की हरकतें कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को तंग कर रहा है कि सर मुझे दुबई जाना है, मैंने बहुत बार देखा है दोस्तों कि मेरे वीडियोज देखकर कुछ लोग एजेंट के पास भी चले जाते हैं और एजेंट से वीजा मिलने के बाद वो मुझे वेरीफाई के लिए भेजते हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? मैं जो भी बताता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट का तरीका होता है। मैंने खुद के लिए कहीं पे पैसा नहीं दिया है जॉब के लिए, तो मैं आपको क्यों बोलूँ कि आप जॉब के लिए पैसा दीजिए या वीजा के लिए पैसा दीजिए? ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। बस आपको यही फॉलो करना है, किसी को पैसा नहीं देना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको ऑनलाइन ही जॉब ट्राई करना है, जहां से भी आप हो, आप इंडिया से हो ऑनलाइन ट्राई कीजिए, थोड़ा सा देर हो जाएगी मगर आपको जॉब मिल जाएगा। आप पाकिस्तान से हो आपको थोड़ी सी देर हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगा। बस मेरे दिए हुए टिप्स ट्रिक्स याद में रखिए, पहले वीडियोस देखिए, बार बार देखिए, अगर भूल रहे हो तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो तो मैं समझ सकता हूँ, मगर उसके लिए अगर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, समझ गए हो मेरी बात? बस यही आपसे मतलब मुझे बात शेयर करनी थी, मुझे लगा कि आज मुझे ये बात शेयर करनी है और इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।